हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप लोगों से मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फ्राइड राइस, जो बहुत ही कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे काउंटर पे, ये मिक्स वेजिटेबल है। मिक्स वेजिटेबल मीन्स इसमें बेल पेपर है, येलो और ऑरेंज, आप रेड भी डाल सकते हैं। और इसमें मटर है, स्प्रिंग अनियन है, स्वीट कॉर्न है और गाजर है, ये मैंने कट करके ऑलरेडी रख दी थी। और एग है, एग ये देखिए, एग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितने भी आपको पसंद हो, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम। और चिकन भी मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्ट और रेड चिली में करके इसको थोड़ा सा कुक कर लिया था, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ना होने के बराबर है, देख ही रहे हैं। जैसे आप, ये चिकन क्यूब है और ये मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें जो, और ये सॉल्ट है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुकिंग जी। तो ये मैंने थोड़ा वॉश किया था, तो इसमें थोड़ा पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। और जब भी आप फ्राइड राइस या फिर चाइनीज़ राइस इस टाइप की कुकिंग जब करते हैं, तो आपको जो पैन है और ये बर्तन, आपको खुले मुंह वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसको आप ज़्यादा हॉट में उसमें करते हैं और जल्दी जल्दी कुक, क्योंकि इसको कुक नहीं करना होता, जस्ट शैलो फ्राई करना होता। तो थोड़ा सा ये अच्छी तरह हो जाए ड्राई, फिर मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अदरवाइज़ आपको पता ही है, पानी के साथ फिर ऑयल ऐड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताती चलूँ, मुझे कोई यूट्यूब पे या अपना चैनल बनाने का इतना कोई वो क्रेज़ नहीं था। मैं लोगों के देखती रही हूँ और देख, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मैं काफ़ी सारे व्लॉगर हैं, उनकी मैं चैनल में काफ़ी देखती हूँ, शौक से देखती हूँ। और मैंने यही सोचा कि अब जैसे मैं एक बेटी की शादी ऑलरेडी कर चुकी हूँ, दूसरी की भी होने वाली है, तो ऐसे मेरे माइंड में है, मैं लोगों के देखती हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह जाएंगे बाद में, तो अपना टाइम अच्छा मैं स्पेंड कर सकती हूँ ये करके, आप लोगों से बातें करके। तो जैसे जैसे मेरे फैमिली बढ़ती जाएगी यूट्यूब पे, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें भी शेयर कर सकती हूँ, वो मुझसे शेयर करेंगे, तो आप अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने अपना चैनल ओपन किया कि आप लोगों से बातें शेयर कर सकूं, छोटी चीज़ें लाइक छोटी मोटी कुकिंग शेयर कर सकूं। और मैं कोई बहुत बड़ी कोई शेफ़ नहीं हूं और कोई बहुत बड़ी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, बस लोग कुकिंग मेरी पसंद करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो बस इसी वजह से मुझे अच्छा लगा कि चलें कुछ छोटी सी रेसिपीज़ शेयर कर लूँ, और बाकी भी व्लॉग मैं फिर बनाया करूँगी। तो चलें चलते हैं, अब मेरा स्टार्ट हो गया। मैं हाथ से, एक्चुअली मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से मैं कुकिंग करूँगी, तो और वेंटिलेटर मैं ऑन नहीं कर रही, क्योंकि अगर वेंटिलेटर ऑन करूँगी तो वो शोर करेगा। तो इसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल अच्छी तरह इसको गर्म होना चाहिए। और ये जो एग मैंने बीट करके रखा है, इसमें डाल के, तो सबसे पहले एग फ्राई करेंगे, बिकॉज़ जब इसका ऑयल बच जाएगा एग में से, तो आप बाकी वेजिटेबल और चिकन वगैरह आप कर सकते हैं। तो जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो फिर इसमें हम एग डाल दें, क्योंकि इसको हमने कोई इसके कोई स्पेसिफिक इसके कोई शेप नहीं देने इस ऑमलेट के, इसको फ्राई करके और इसको जस्ट छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड करनी होगी राइस के। तो सो सिंपल, तो इसमें ऐड करते हैं। अभी भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, हॉट नहीं हुआ ऑयल, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया, और मुझे इसलिए फ्राई पैन में करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें कर दिया, क्योंकि मुझे इसका ऑयल फिर बाकी में मुझे रीयूज़ करना था, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस, और आप लोग सुनाए मुझसे, मुझसे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें मुझे, और क्या करना चाहिए,
इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक बहुत सिंपल लाइफ गुजारती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इस तरह की पार्टीज और इस टाइप की चीज़ें। हाँ, सोशल है जो आपके क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, और जस्ट और ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं इतने सारे, बस जो क्लोज फैमिली कह सकते हैं आप उसको। तो बस ये है, आप मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कमेंट्स में बता के। ये देखें, और यूके का वेदर जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ तो समर तो बस लोग वेट ही करते हैं समर के लिए। सॉरी, मेरी बैटरी डाउन हो रही थी मोबाइल की, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई। तो वेट करते हैं बस, विंटर इतनी जल्दी आ जाता है और इतनी जल्दी रात हो जाती है, तो फिर दिन भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो ये है सूरत हाल, और बाकी अपने बारे में भी ज़रूर मुझसे शेयर किया, अगर अच्छा लगेगा मुझे भी। फिर जैसे एक फैमिली होती है, तो फैमिली की तरह फिर बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें। तो होपफुली मैं अपना इसका जो मोबाइल स्टैंड है मैं निकालती हूँ, मुझे इजी हो जाएगा कुकिंग करने में। तो अभी तो बस ऐसे शॉप शॉप में मैंने सोचा कि चले शेयर कर लेती हूँ। अब ये हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसमें मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है खास से, देन नो वरी अबाउट, इसको मैनेज कर लूँगी फिलहाल। तो नेक्स्ट टाइम मैं स्टैंड पे लगाऊंगी, फिर इजी हो जाएगा मुझे, फिर प्रॉपर मैं दिखा सकती हूँ ना इसे, तो मुश्किल हो रहा है दिखा पाऊँगी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, जैसे फैमिली बढ़ती है तो आप फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं। तो मैं इस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक कुकिंग भी कर रही हूँ, हाथ से पकड़ा, मुझे यूज़ टू नहीं ना। मैंने देखा लोग एक हाथ से कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, अपनी वीडियो बना रहे होते हैं, तो शायद उनका भी होगा शुरू शुरू में मुश्किल होता होगा, या उनकी कोई हेल्प करता होगा पकड़ने में, और हेल्प करते होंगे फैमिली में, सब आपकी सपोर्ट करते हैं जब आप कोई चैनल बनाते हैं, लेकिन मुझे तो खुद ही करना है खुद ही करना है। और सॉरी, या तो मैं बात कर लूँ या फिर मैं कुकिंग कर लूँ। तो अच्छा जी, अब हम ये देखिए, तो बाद में इसको जब डालेंगे तो पीसेस कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन, थोड़ा सा बहुत हो गया, इसको डालती हूँ मैं। वेंटिलेटर में शोर की वजह से नहीं कर पा रही थी, डिस्टर्ब होंगे। तो चिकन करने के बाद हम लोग करते हैं वेजिटेबल फ्राई करते हैं। चिकन हो गया ऑलमोस्ट डन, इसको जो ऑयल मिर्च थोड़ा सा और भी करना था, ऑलरेडी रेडी था, सिर्फ मुझे गर्म करना था इसे, बिकॉज ये ठंडा ना रह जाए और वो बाकी वेजिटेबल गर्म रहेंगे। तो चने भी हो गया हमारा रेडी जी, तो चिकन हो गया हमारा डन, इसको हम प्लेट में डालते हैं। मैं इसको अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती है जी। तो चिकन मैंने इसमें प्लेट में डाल दिया है, अब मैं ऑयल डाल के इसको खूब गरम करूँगी, अच्छा गरम करके फिर इसमें वेजिटेबल डालूँगी, तो इसका जो वेजिटेबल का मॉइस्चर होता है ना, तो वो अच्छे से उसमें ड्राई हो जाएगा, क्योंकि उसको कुक नहीं करना वेजिटेबल को, जस्ट उसमें डाल के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना है, दैट्स इट, क्योंकि वो क्रंचीपन इसका फिनिश ख़त्म हो जाएगा।
से गरम करना है बस। अभी गरम नहीं हुआ अच्छे से, खूब हॉट होगा फिर इसमें डालेंगे वेजिटेबल। जैसे इसको सोते करना है उसका क्रंचीपन ख़त्म नहीं हमें करना, क्योंकि फ्राइड राइस में और चाइनीज़ राइस में जो वेजिटेबल है वो बिल्कुल मुंह में क्रंचीपन आना चाहिए। इस कभी नहीं कुक करते इसको और उसका कलर भी ख़राब नहीं करना, ज़्यादा कुक करते हैं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं यकीनन, तो बातें भी तो करनी है ना आप लोगों से, कुछ तो शेयर करना है ना, तो इसलिए। तो ये मैंने ऐसे डाल के चेक किया तो कितना हॉट हुआ है, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी डाल के चेक करने की, लेकिन थोड़ा टाइम भी तो फील करना होता है ना किसी न किसी तरीके से, बातें भी करनी है इस तरह, तो इसलिए ऑयल थोड़ा और डाल देते हैं क्योंकि अच्छे हॉट ऑयल में बनेगा तो वेजिटेबल अच्छे होंगे। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा राइस में बहुत अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा वेजिटेबल डालती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एग ज़्यादा डालती हूँ, चिकन थोड़ा कम हो लेकिन एग ज़्यादा डालती हूँ, वेजिटेबल तो और ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए तो इसमें मैं डाल रही हूँ ना। थोड़ी सी जी और इसको फुल फ्लेम है, जी और इस इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ सारा, इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बस इसमें मिक्स करने हैं बस। ये देखिए क्रंचीपन भी रहे और ये ज़्यादा कुछ भी ना हो, सब सिर्फ ये मॉइस्चर है जो उसमें वेजिटेबल में होता है, बस इसको बॉइल करना होता है और कुछ नहीं। इसमें सोया सॉस मैं बताना भूल गई, सोया सॉस भी थोड़ा सा डालते हैं, इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पास सोया सॉस है, ये तो ये थोड़ा सा ऐड करूँगी, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मैं कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जब भी कोई अच्छी चीज इंसान एक दूसरे से शेयर करता है अच्छा लगता है। ये नहीं कि सामने वाले को कुकिंग नहीं आती, बस आपकी खुशी होती है कि आप कुछ कुक कर रहे हो, कुकिंग भी कर रहे होते हो, बातें भी शेयर कर रहे होते हो, तो अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर लेते हो। इस तरह आपने यूट्यूब फैमिली से अगर आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो बातें कर लेते हैं, इसलिए थोड़ी वेजिटेबल अपनी बेटी को अलग से भी निकाल दूँगी क्योंकि वो वैसे भी खाती है, अगर भूख लगती है तो वो इस तरह से उसको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ऑयली ज़रा थोड़ा सा बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी वेजिटेबल में आपको पता है कितना ऑयल नहीं होता। बस इसी में जो कुछ है बस देखिएगा, जब राइस होंगे तो कितने ड्राई ड्राई होंगे, मतलब बहुत टू मच ऑयल नहीं होगा, लेकिन ये एक डालना तो होता है। चाइनीज़ जैपनीज़ इस तरह के फूड में बहुत बहुत कम ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत कम, तो हम तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, वो तो जस्ट ड्रॉप्स के हिसाब से डालते हैं बस। और बस मटर थोड़ा सा, मटर का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा बस कम हो गया, बाकी ऐसी कच्ची होती है ये वेजिटेबल, आपको मुँह में क्रंची पाना आता है तो वो अच्छा लगता है। अदरवाइज बाद मैंने देखा लोग सालन की तरह फ्राइड राइस बनाते हैं, बिल्कुल जैसे सालन की तरह कुक किए होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो जो खूबसूरती होती है ना डिश की वो ख़त्म हो जाती है। मेरा मानना ये है कि आप जो भी डिश बनाए, जिस कंट्री की बनाए, जो उसकी इंग्रेडिएंट, जो उसकी लुक रिक्वायरमेंट है, जो भी है, उसको आप उसी तरीके से बनाए तो अच्छा लगता है। वरना वेजिटेबल बना के
उसमें राइस डाल दें, वो तो वेजिटेबल राइस हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट डन हो गया, ये देखें, बस इतना ही कुछ करना था मुझे। तो बस हो गए रेडी सारी चीज़ें। जब मैं राइस बॉईल करूँगी तो बस राइस में कुछ नहीं करना, सॉल्ट डालना है तो डालें, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीज़ों में सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और फ्राइड राइस हो गए, चाइनीज़ राइस हो गए, और जैसे ज़रदा हो गया और बिरयानी हो गई, ये आपने सेला राइस में ही करेंगे तो अच्छे लगते हैं, बनाने भी सेला राइस में चाहिए। उसका तरीकाकार भी यही है, मैंने लोगों को देखा, बस वो बना लेते हैं। चलो कुक हो गया, इसको फ्लेम को करते हैं ऑफ, और फिर राइस बना के फिर आपसे मिलते हैं। जब रेडी हो जाएंगे, मिक्स करने लगेंगे, तो आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ मैं। बस तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, देखिए मैंने राइस भी बॉईल कर लिए हैं, और अब इसमें सिंपल बॉईल किए हैं, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ था। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी, लाइक इसको बिरयानी की तरह नहीं इसको करना, इसको जस्ट ऐसे इसमें मिक्स करना है। और इसमें अगर वेजिटेबल ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है तो आप बचा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं, तो टेस्टी होता है बहुत। जी तो हम इसमें एक बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा लुक, अब ठीक है। मैं इसमें सब मिक्स करके फिर आपको अभी फिर दिखाती हूँ फाइनली, क्योंकि खास है पॉसिबल नहीं हो रहा इसको मिक्स करना। जी तो हमने सारे राइस और वेजिटेबल मिक्स कर लिए हैं, तो इसका ये फाइनल लुक है। और इसकी देखें कलर, जो वेजिटेबल के कलर हैं बिल्कुल भी लाइट नहीं किए हमने, क्योंकि अब जब ओवर कुक करते हैं तो इसके कलर जो हैं लाइट हो जाते हैं। ये अब थोड़ा सा प्लेट में डाल के मैंने बिल्कुल भी इसमें राइस बॉईल करते वक्त बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया। और उसमें अगर अगर आपको मिक्स करने के बाद, वेजिटेबल मिक्स करने के बाद आपको लगे कि सॉल्ट कम है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ऊपर से, और मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन मैंने टेस्ट किया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऐड करने की, तो परफेक्ट है। बहुत टेस्टी है, और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके साथ मैं फिर या तो चिकन शाशलिक बनाऊंगी या फिर चिकन चिली बनाऊंगी इसके साथ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ इतना ही बनाया, क्योंकि लंच लेके जाना होता है बच्चों को, तो फिर इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया सिंपली। तो वो घर के लिए अगर बनाती हूँ तो फिर अदर्स चीज़ें साथ होती हैं तो अच्छा लगता है। वर्क के लिए सिर्फ इनको सिर्फ राइस ही चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। किसी और चीज़ का अगर मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर वो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।